जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, जैसे नेट एग्जाम है, पीजीटी है, आरपीएससी, एलटी ग्रेड, टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े, जहां पर आपको ऐसी ट्रिक बताई जाती है दोस्तों कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। कोई भी प्रश्न हो, रचनाएं हो, कवि हो, कुछ भी हो, आपको अनोखी ट्रिक बताई जाती है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। रोज 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो का, ट्रिकी हिंदी साहित्य वीडियो आता है आपके पास, तो देखना ना भूलें रोज। आपका आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको टेस्ट करवाएंगे और फिर आपको ट्रिक से याद भी करवाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी है। चार विकल्प हैं तुलसीदास जी को, आप जानते हैं दोस्तों, राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास, जिनके गुरु का नाम था नरहरिदास, ठीक है, आपको पता है। और तुलसीदास की जो प्रामाणिक कृतियां मानी जाती हैं वो कितनी कृतियां मानी जाती हैं, 12, ठीक है, 12 मानी जाती हैं। उन सभी में से जो सबसे प्रसिद्ध और मधुरतम अभिव्यक्ति है वो कौन सी है, यहां पर बताना है। आपने वो पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुबीर। दोस्तों आपको पता होगा, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, गीतावली। सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति क्या हो, अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों, इन्हें गीत गाए हैं, किसके, श्री राम की भक्ति के गीत गाए हैं। तो सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी होगी, गीत, मतलब गीतावली, ठीक है, याद रख लेना। इनकी रामचरितमानस रचना बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई रामचरितमानस की। और ये महाकाव्य है, किस भाषा का महाकाव्य है, तो अवधी भाषा का महाकाव्य है, ठीक है। विनय पत्रिका की बात करें और कवितावली की बात करें तो ये रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में लिखित हैं। कौन सी भाषा में लिखित हैं, ब्रज भाषा, ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शिवराज भूषण की रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं आपके सामने, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे और ट्रिक भी, फनी ट्रिक बताई जाएगी आपको। दोस्तों जब तक मैं आपको बता दूं कि जो शिवराज भूषण ग्रंथ है इसमें अलंकारों की जो संख्या बताई गई है वो 105 अलंकारों की संख्या बताई गई है, याद रख लेना। कितने अलंकार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए किस रचना में 105 अलंकारों की चर्चा हुई है, या 105 अलंकारों की चर्चा किस रचना में हुई है, तो आपका उत्तर होगा शिवराज भूषण में, ठीक है। और शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, तो आपको पता है भूषण लगा है तो भूषण है ना, याद रखना। और दोस्तों काव्य निर्णय, काव्य निर्णय एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भिखारी दास की, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और हमने याद की थी एक रचना जगत विनोद, जगत विनोद रचना किसकी है, पद्माकर जी की है, ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपको होता है रीतिरात्मा काव्यस्य, आपसे काव्य की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं दोस्तों। अब रीतिरात्मा काव्यस्य कह दिया कि परिभाषा किसकी है, तो आप क्या कहेंगे किसकी है, 2 सेकंड में जल्दी बताएं, बामन, कुंतक, दंडी या भामा है। मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों कि रीति संप्रदाय और रीतिकाल, रीतिकाल अलग, रीति संप्रदाय अलग, रीति संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है, रीति रीति से पूजन करवाते हैं कौन, बामन लोग, पंडित लोग, जिन्हें पंडित बोलते हैं ना, वो बामन लोग रीति रीति से करवाते हैं पूजन भगवान की, तो रीति संप्रदाय के कौन होंगे, बामन है ना, बामन यानी कि एक नंबर। अब जब रीति संप्रदाय की बामन है तो रीति रात्मा काव्यस्य भी कौन कहेगा, कौन कहेगा, बामन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
आपसे पूछा जाता है दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप बोलते हो कि सर आप जो वक्रते हो वो हमारे कान तक पहुंचता है, जो आप वक्रते हो वो हमारे कान तक पहुंचता है, तो कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के, ठीक है। अब आप कहोगे दोस्तों अलंकार संप्रदाय के कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के भामह है, और आप बताते हो दोस्तों कि वो विभिन्न प्रकार के अलंकार करता है, सोने की चैन पहनता है, बड़े बड़े जेवर पहनता है, वो तो क्या है भामाशाह है, भामाशाह। तो अलंकार संप्रदाय अलंकार कौन करता है, भामाशाह, बहुत अलंकार करते हैं, तो भामा है अलंकार संप्रदाय के, ठीक है। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है दोस्तों, काव्य का प्राण मान लिया, प्राण ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण बोले प्राण निकल गए प्राण, तो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो हैं वो कौन है। अब एक चीज बताना दोस्तों कि सबसे ज्यादा आप अलंकार करते हो तो काय का करते हो, केसों का करते हो, काय को करते हो केसों का, विभिन्न प्रकार की डाई डालोगे, विभिन्न प्रकार की मेहंदी डालोगे, आजकल देखा है आपने कि इतने आगे के बस बाल लाल कर दिए इतने, तो आप सबसे ज्यादा क्या करते हो मेहंदी शैम्पू क्या क्या डालते हो, विभिन्न प्रकार के अलंकार करते हो साहब, काय का केसों का, केसों का यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने सुना होगा कि जिस प्रकार व्यक्ति की शोभा आभूषणों से बढ़ती है उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार, ठीक है। तो अलंकार वैसे ही हम आभूषण और अलंकार, तो इसी प्रकार से आप ले लें कि केस का हम क्या करते हैं अलंकार करते हैं, यानी कि केशवदास अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले हैं दोस्तों केशवदास। बात करें मतिराम की, तो मतिराम की एक रचना है ललित ललाम, ललित ललाम, और इस चीज को बोला जाता है दोस्तों लिलार, क्या बोला जाता है लिलार, तो लिलार या ललाम मतिराम, और यहां हमारी क्या रहती मति, बोले मति कहां गई थी, बोले ललाम, है ना, मति कैसी हो गई ललाम हो गई थी, तो मतिराम की ललित ललाम रचना याद रख लेना, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और अंगली देख लेते हैं, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है, रीतिकालीन दोस्तों रीतिकाल आपने पढ़ा होगा, है ना, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है रीतिकाल कहा जाता है, ठीक है। अब रीतिकाल की राष्ट्रीय कवि कौन है, तो आपने रीतिकाल पढ़ा होगा, और रीतिकाल में एक ही कवि आपको दिखता है जो वीर रसपूर्ण रचनाएं करता है, वो कवि कौन है भूषण, जिनका वास्तविक नाम क्या है घनश्याम, घनश्याम को भूषण की उपाधि दी गई थी, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। बात करें चिंतामणि की, तो चिंतामणि दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, इनकी एक रचना है कवि कुल कल्पतरु, मैंने आपको समझाया था याद करवाया था कि कुल की चिंता सभी लोगों को रहती है, कुल की चिंता, तो कवि कुल कल्पतरु ये रचना किसकी है चिंतामणि की है, बिहारी जी की, तो बिहारी सत्सई है ही, है ना, घनानंद की सुजान शतक, इस प्रकार से रचनाएं हैं, घनानंद जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों, है ना। हित तरंगणी के रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है, कृपाराम घनानंद देवकवि या फिर भूषण, तो हित तरंगणी के रचनाकार बताना है। और दोस्तों एक चीज बताना, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन तो करेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर कृपा राम की हो जाए तो क्या होगा आपका, अहित होगा कि हित होगा, जल्दी से उत्तर बताओ, अगर आपके ऊपर कृपा राम की हो जाए तो अहित होगा कि हित होगा, हित होगा, तो हित तरंगणी जो रचना होगी वो किसकी होगी कृपा राम की, क्योंकि कृपा राम की हो गई तो हित ही होगा साहब, तो हित तरंगणी कृपा राम, ठीक है, याद रख लेना। अगला बताना दोस्तों इसके लता की रचनाकार कौन है, घनानंद आलम बोधा या फिर चिंतामणि, तो याद कर लेना दोस्तों, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इसकी लताएं फैला रहे थे कौन, घनानंद, है ना, घनानंद क्या फैला रहे थे, इसकी लताएं फैला रहे थे, तो इसके लता रचना किसकी हो जाएगी घनानंद की, है ना। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था सुजान, बहुत प्रेम करते थे, और सुजान ने इनको क्या कर दिया था, इनको इग्नोर कर दिया था, और ये जब वहां से निकाले गए, है ना, फिर बाद में कहीं और मठ में चले गए थे घनानंद जी, आपको पता होगा, फिर इसके लता के रचनाकार आपको याद रखना है घनानंद है, ठीक है, याद रखना है। और आलम की जो माधवानल काम कंदला है ये कौन सी भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में लिखी गई, है ना, ये चीज भी हमने आपको बताया था, और है ना, याद रख लेना इसको। अगला है दोस्तों अंगद दर्पण, अंगद दर्पण की रचनाकार कौन है, सॉरी अंग दर्पण, अंगद नहीं अंग दर्पण, रसलीन है
सेनापति हैं मतिराम या फिर कृपाराम हैं। तो एक चीज बताना दोस्तों, आजकल के जो किशोर होते ना, किशोर किशोर किशोरियां होती हैं, वो दर्पण में अपने अंग देख देख के बड़ा रस लेते हैं, मैं कितना सुंदर हूँ। दिन में कम से कम 10 से 15 बार तो दर्पण देखते हैं, है ना। तो अंग दर्पण में देख देख क्या लेते हैं, रस लेते हैं। तो अंग दर्पण की रचनाकार रसलीन, अंग दर्पण की रचनाकार रसलीन, इस प्रकार से याद करना कि अंग दर्पण में देख करके रस लेते हैं तो रसलीन, है ना, याद करेंगे। और दोस्तों एक रचना है सेनापति जी की, कौन सी है जल्दी से आपको बताना है, काव्य रत्नाकर ऐसे करके है सेनापति की, बहुत बढ़िया रचना है, है ना, वो आप याद रख लेना और बता देना कमेंट में कौन सी है, मुझे याद नहीं आ रही। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक जो टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई दोस्तों, सर्वाधिक टीकाएं अगर आज किसी रचना की लिखी गई, किसी ग्रंथ की लिखी गई, तो वो लिखी गई रामचरितमानस की। उसके बाद किसी की लिखी गई, तो किसकी लिखी गई, बिहारी सत्सई की, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और बिहारी सत्सई बिहारी जी की रचना है, ठीक है। बीजक तो आपको पता ही है कबीरदास जी की है, है ना। पद्मावत इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, है ना। सूरसागर आपको पता है सूरदास जी की है, है ना। तो ये सारी रचनाएं आपको याद भी करनी है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है, जी हाँ दोस्तों आपको पता है बहुत रस ले रहे थे घनानंद सुजान का, है ना, आनंद ले रहे थे, बहुत दरबार में संगीत हो रहा है उसका रस ले रहे थे, और घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति कह दिया साहब, किसने कह दिया, आप कौन है ऐसे जो कहेंगे, तो वो कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी कहेंगे, इन्हें घनानंद को साक्षात रसमूर्ति घना रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। अब मैं आपको जन्म भी याद करवाऊंगा दोस्तों, आप जन्म और जीवन परिचय जैसे याद करते हो, अब देखना कैसे याद होता है आपको। चार विकल्प हैं, चार में से आप चयन करके 2 सेकंड में उत्तर बताएंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो चित्र में है वो क्या कर रहा है, शंकर जी का शीश नवारा है, शीश नवारा है, तो नवारा है तो किसका शीश नवारा, शंकर जी का शीश नवारा है, तो नवारा है तो नवासी, नवा रहा है तो नवासी, किसका, शंकर जी का, 1889 नवा रहा है, बोले अब कभी नहीं बोलोगे आप, है ना, जय शंकर की बात आ रही, बोले शंकर जी का शीश नवा रहा है, है ना, शीश नवाते हैं तो नवासी, ठीक है, नवाते हैं तो नवासी, है ना, याद रख लेना, और आप भी शीश नवा लेना इस प्रकार से शंकर जी का, तो आ नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना, मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों। ये मुकुट रखा है, मुकुट, और ये मुकुट कितने का है पता है, कितने का है, 95 का है, कितने का है आपको पता है दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक ये भी माने जाते हैं, पंत को नंद दुलारी वाजपेयी ने माना छायावाद का प्रवर्तक, है ना, जयशंकर प्रसाद को ईलाचंद्र जोशी ने माना छायावाद का प्रवर्तक, और मुकुटधर पांडे की जन्म की बात आती है तो ये मुकुट है, और मुकुट कितने रुपए का है, 95 रुपए का, 95 रुपए का है, तो मुकुटधर पांडे का जो जन्म होगा वो कब होगा, 1895 से 1984 ये इनका जन्म है। मैं आपको पूरे जन्म याद करवा दूंगा, जन्म काल, है ना। तो आपने जयशंकर प्रसाद की यदि शंकर जी के सामने हम शीश नवाते हैं, नवाते हैं तो नवासी, और मुकुट कितने का है, 95 का, तो 1895 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब आपको अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, और यशोधरा जो कि खंड काव्य है, है ना, खंड काव्यात्मक महाकाव्य कृति है यशोधरा, और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, है ना, मैत्री शरण गुप्त की रचना है। तो याद रख लेना ये पंक्ति हमेशा पूछी जाती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और है ना, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त जी की, है ना। साकेत भी इनकी रचना है, साकेत जिसमें 12 सर्ग हैं दोस्तों, भारत भारती इनकी रचना है, प्रसिद्ध है, ठीक है, गुप्त जी के बारे में आपको याद रख लेना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, है ना। और राम नरेश त्रिपाठी की मानसी, मानसी एक रचना पूछी जाती, मानसी रचना किसकी है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में
बताना, तो आपके लिए इनका परिचय बताना कोई बड़ी बात नहीं, सभी जानते हैं ना। और प्रसाद जी, तो प्रसाद जी हैं, है ना, याद रख लेना। अगला बताना दोस्तों, मिट्टी के बारात की रचनाकार कौन है। अब आपको चार विकल्प हैं चित्र में, यहाँ पर देखो भूतूत दिए हैं। अब डर नहीं जाना आप लोग, बोले सर ये क्या लेके आ गए, भूतूत, भूतूत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी के बारात की रचनाकार कौन है। तो कौन है दोस्तों, आपको पता है कि जब शिव जी की बारात निकली तो बहुत सारे क्या आए थे कि शिव भोले आगे पीछे नाचे भूत, भूत नाच रहे थे। कैसे नाच रहे थे, मिट्टी इट्टी के लपेड़ लपेड़ के नाच रहे थे। बोले ये क्या मिट्टी की बारात आ गई, ये लोगों ने देखा और बोला मिट्टी की बारात आ गई, बोले नहीं नहीं ये तो शिव जी की बारात। अरे के पीछे देखो जरा, तो सब मिट्टी इट्टी बबूत बबूत लगाए थे, तो मिट्टी की बारात शिव मंगल से सुमन, क्योंकि शिव जी की बारात में सब मिट्टी इट्टी लगा के यानी कि बबूत लगा के गए थे, कौन ये भूतूत, है ना, बहुत सारे। तो याद रख लेना है दोस्तों, शिव मंगल से सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। अब आप कभी नहीं बोलोगे, चित्र में थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, है ना। और अगला बताना है आपको, राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है। चार विकल्प है, तार सप्तक के कवियों को, स्वच्छंदतावादी कवियों को, छायावादी कवियों को, या हालावादी कवियों को। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, है ना। आपको पता है कि राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी यानी कि जो राहों का अन्वेषी बन गया है वो क्या करेगा, अब आपको तार देगा, बोले आप हमारे राहों के अन्वेषी बन जाओ। अगर कोई आपके राहों का अन्वेषी बन गया है तो आपको क्या कर देगा, तार देगा, तार देगा। तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। और किसने कहा है, तो किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। किसने, अज्ञे जी ने, ठीक है, याद रख लेना। राहों का अन्वेषक, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषक किसने कहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो अज्ञे जी ने कहा है, ठीक है, ये चीज याद रखनी। अगला है दोस्तों, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1977 में। और यहां बात आई है दोस्तों, शमशेर, कवियों का कवि इन्हें कहा जाता है, शमशेर को, है ना, वैसे भी शेर आ रहा है, मतलब सबसे कवियों के कवि हैं, है ना। और आपको पता है दोस्तों, मैं एक बता दूं कि जब आप जंगल की बात करते हैं और जंगल का शेर देखते हैं, तो शेर क्या करता है, कभी कभी अपने शिकार को क्या करता है, चूक जाता है, क्या करता है, चूक जाता है। और अभी कभी शेर से पूछना कि चूक गए, तो बोलेगा चूका भी नहीं हूं अभी, चूका भी नहीं हूं अभी, और भी देखेंगे हम, है ना। तो शेर कभी कभी शिकार चूक जाता है, और उससे पूछोगे तो बोलेगा चूका भी नहीं हूं अभी, कौन, शेर, तो चूका भी नहीं हूं अभी। ये रचना किसकी होगी, शमशेर बहादुर की होगी। और इसे कब मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1977 में, क्योंकि साथ साथ दौड़ रहे थे, साथ साथ दौड़ रहे थे शेर और शिकार, साथ साथ दौड़ रहे थे शेर, चूक गया, तो चूका भी नहीं हूं अभी, है ना, साथ साथ यानी 1977 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। शमशेर बहादुर की कृति है, है ना, चूका भी नहीं हूं अभी, बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछी जाती है आपके एग्जाम में, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, समय देवता कविता किसकी है। समय देवता, आपने बोला कि समय, समय अच्छा नहीं चल रहा यार, समय ऐसा चल रहा है, समय वैसा चल रहा है, समय ये करवाता है, बोलते ना, तो समय के सामने गिर जा, समय के सामने गिर जा। तो समय देवता के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, समय के सामने गिरजा, ठीक है। तो समय देवता कविता किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की, गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, ये चीज याद रखनी ना है। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की एक रचना पहाड़ पर लालटेन, ये भी याद रखनी है, है ना। एक कंठ बिस्पाई, दुष्यंत कुमार जी की एक कंठ बिस्पाई है, है ना, ये भी आपको याद रखनी है। और समय देवता याद रखेंगे गिरजा कुमार माथुर जी की, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है। एक नीली आग, अब एक चीज बताना दोस्तों, जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति, तो फिर अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसकी उसकी अपन लकड़ी देते हैं ना, और उसकी जलाते हैं, तो क्या निकलती है, नीली आग निकलती है। नीली आग जब मुक्ति मिल जाती व्यक्ति को और जलाते हैं तो नीली आग निकलती है। तो नीली आग रचना किसकी होगी, मुक्ति बोध की, किसकी, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, याद रख लेना है सभी लोगों को, है ना। और निराला को
महाप्राण कहा जाता है, महाप्राण, ठीक है, निराला, क्रांतिकारी कवि, ठीक है, निराला सबसे ज्यादा विरोध हुआ। और छंद मुक्त रचना, प्रथम छंद मुक्त रचना इनकी जूही की कली है ना, ये भी आपको याद रख लेनी। छायावाद के आधार स्तंभों में प्रमुख नाम है ना। तो अगला बताना है दोस्तों, कर्फ्यू नाटक के रचनाकार कौन है, 1972 की ये रचना है कर्फ्यू, है ना, और कर्फ्यू नाटक के रचनाकार कौन है। अभी कर्फ्यू लगा दोस्तों, कोरोना में कर्फ्यू लग गया, लोगों ने क्या नहीं कमा पाई, लक्ष्मी नहीं कमा पाई, क्या नहीं कमा पाई, लक्ष्मी, काय में कर्फ्यू में, और कर्फ्यू कभी भी लगता है लक्ष्मी नहीं कमा पाते लोग, तो लक्ष्मी नारायण लाल कर्फ्यू नाटक किसका होगा, लक्ष्मी नारायण लाल, बोले लक्ष्मी कर्फ्यू में लक्ष्मी नहीं कमा पाते तो लक्ष्मी नारायण लाल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कल एक रचना अपन ने याद करी थी दोस्तों, कोर्ट मार्शल, कौन सी याद करी थी, कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट जाना है तो स्वदेश के कोर्ट जाना है, स्वदेश के कोर्ट जाना है। और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। एक इनकी जो रचना पूछी जाती है मृगनयनी, है ना, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी की, ये हमेशा पूछी जाती है, तो ये चीज भी याद रखनी है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी की है, तो ये भी याद रखेंगे। और कर्फ्यू तो है ही, कर्फ्यू में क्या नहीं कमा पाते, लक्ष्मी नहीं कमा पाते, तो लक्ष्मी नारायण लाल। अगला बताना दोस्तों, खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन है, खूबसूरत बहू, नाग बोडस, बाल मुकुंद गुप्त, शीतला प्रसाद त्रिपाठी या राजा लक्ष्मण सिंह। तो आप कभी बोलोगे कि खूबसूरत बहू ने, बहू को काय ने डस लिया, नांग ने डस लिया, चित्र में देखो, खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, तो खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन होंगे, नांग बोडस, कौन होंगे, नांग बोडस, क्योंकि खूबसूरत बहू को किसने डस लिया, नांग ने, तो नांग बोडस, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और एक जानकी, जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है ना, अभिनीत नाटक माना जाता है, भारतेंदु जी ने इसने इसमें अभिनय किया था, है ना, ये चीज भी आपको याद रख लेनी। और राजा लक्ष्मण से आप याद आता है दोस्तों कि इनने प्रजाहितैषी पत्र निकाला था 1855 में, है ना, 1855 में, 1855 में प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सेन, है ना, 1854 में जो आपका प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुदावर्षण आया था, है ना, ये चीज भी याद रखनी है। 1826 में तो आपका उदंत मारतंड आया था, है ना, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर अपने 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आपको कितने याद हुए हैं, है ना, कैसी ट्रिक लगी है, कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है, वो भी आप बता सकते हो। और दोस्तों आपका जो चैलेंज प्रश्न है वो क्या है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है, प्लेग की चुड़ैल, कल भी हमने याद करवाई थी रचना, है ना, तो प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी रचना है, ये आपको चैलेंज प्रश्न दिया जाता है। हर व्यक्ति को चैलेंज स्वीकार करके कमेंट में लिखना है कि प्लेग की चुड़ैल के जो रचनाकार हैं वो कौन है, जितना आप लिखते हो, जितना अच्छा लगते हो, है ना, और इसके बारे में क्या जानते हो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो जितना लिखता है उसको उतना ही याद होता है दोस्तों, ठीक है, तो लिखा करें, है ना। और दोस्तों पिछले प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, और दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कई बार पूछी गई है ना, तो इसका काव्य रूप पूछा था, तो क्या है, ये आत्मकथा है, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। साथ ही व्हाट्सएप से आपको जुड़ना है हिंदी साहित्य के, तो आपको सर्च करना है व्हाट्सएप पे 9098609291 इस पर मैसेज करना है और ऐड हो जाना है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है।
अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे।